नमस्कार, रावत रेसिपीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी तो मेरा आज सोयाबीन की सब्जी बनाने का मन था। तो वैसे तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि आज मेरा मूड भी है सोयाबीन की सब्जी बनाने का, तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल रफ स्टाइल में है, कोई इसमें ज़्यादा आपने मेहनत नहीं करनी है और इतनी टेस्टी बनती है, आप खुद देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं कुकर में बना रही हूँ इसको, और बिल्कुल रफ स्टाइल में बनाते हैं। कुकर में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और ऑयल देखिए गर्म हो गया है अच्छे से। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा। जीरा जैसे क्रैकल हो जाए इसमें डालिए थोड़ा सा लहसुन। लहसुन को आपने हल्का सा हिलाना है। बिल्कुल रफ स्टाइल में सब्जी बन रही है। थोड़ा सा प्याज, मैंने अच्छे से प्याज को हिलाना। यदि आपको लगे कि आपको टाइम नहीं है तो ये रफ स्टाइल में सोयाबीन की सब्जी ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें अपनी हम बड़ियों को भून लेंगे। इनको मैंने थोड़ी देर बस नॉर्मल पानी में भिगा रखा था और इनको हम अच्छे से भुनेंगे। सारा देखिए सब्जी सोयाबीन की डिपेंड करती है, आप सोयाबीन को कैसे रखते हैं। अगर आप उसे भून नहीं रहे हैं तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो सोयाबीन को हम कम से कम 5 मिनट के लिए प्याज के संग भूनते रहेंगे। ये देखिए हमारे बड़ियाँ देखो अच्छे से भून चुकी हैं। ऐसे हमारी बड़ियों पे हल्का सा ब्राउन कलर आ जाना चाहिए, इसका मतलब हमारी बड़ियाँ बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं। इसको हम अच्छे से बड़ियों के साथ भून लेंगे। आलू को भी भूनना बहुत ज़रूरी है, वरना आलू का कच्चा टेस्ट जो है वो सब्जी को ख़राब कर देता है। इसलिए हम आलू को भून लेंगे और इसको 3-4 मिनट के लिए इसको ऐसा ढक के छोड़ देंगे मीडियम गैस में। तो मिलते हैं 3-4 मिनट बाद। तो देखिए हमने आलू अब हमारे अच्छे से भून गए हैं। बस अब इसमें हम बड़े चॉप टमाटर डाल देंगे, तो रफली चॉप्ड है, और इसमें हम टमाटर को थोड़े देर के लिए घुमा देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, वही 4 मसाले जो हम नॉर्मल हर सब्ज़ी में यूज़ करते हैं। तो हमने आधा चम्मच हर मसाला ले लिया है। बस नमक हमने 1 टीस्पून भर के लिया है, बाकी मसाले हमने आधा आधा टेबलस्पून लिए हैं। और इसको हम सबको डाल देते हैं। और इसे हम कोई इसमें गरम मसाला वगैरह नहीं, कुछ नहीं, हम इसमें कोई और मसाला ऐड करेंगे। सिंपल नमक, धनिया, लाल मिर्च और हल्दी मिलाकर हम इस सब्जी को बनाएंगे। और लास्ट में आप देखिएगा खाने में इतनी टेस्टी, देखने में भी इतनी टेस्टी लगेगी आपको। और इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही थोड़ा घुमाकर मीडियम गैस में थोड़ी देर के लिए इसको 5 मिनट के बिल्कुल सिम गैस में इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए हमारी सब्जी 5 मिनट के बाद इसमें सारे मसाले अच्छे से सिमल गए हैं हमारे। देखिए देखने में भी इतनी अभी कलरफुल लग रही है सब्जी। अब इसमें हम डालेंगे इतना पानी कि हमारी सब्जी बस डूबनी चाहिए, उसमें ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल उतना ही हमने पानी डाला जितनी हमारी सब्जी डूब जाए। पानी हमें ऊपर तक नहीं लाना है इसमें। और इसे हम ढक के 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी लग के ये सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो मिलते हैं 2 सीटी लगने के बाद। ये देखिए 2 सीटी लगने के बाद हमारी सब्जी देखिए कितनी टेस्टी बनी है और दिखने में बिल्कुल गाढ़ी। और अब कोई नहीं कहेगा कि हमने इतनी रफ स्टाइल में सब्जी बनाई है। तो चलिए इसको अब सर्व करते हैं। मुझे तो ये सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत पसंद है और मैं हर वीक में कम से कम 2 बार इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि बनाने में बहुत इजी है और जल्दी से बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। इसको हम थोड़े हरे धनिया से डेकोरेट करेंगे। और लीजिए तैयार है हमारी फटाफट रफ स्टाइल में सोयाबीन की सब्ज़ी। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको कितनी ईजी लगी ये सब्ज़ी। और अगर आप इसको सोयाबीन की आपको वो सीखने हैं, कबाब सीखने हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए। सो ट्राई कीजिए सब्जी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।